The one thing that has been constant with me has been my passion for music and to do good music. मेरी जिंदगी में वो टाइम पे डायरेक्शन नहीं थी. म्यूजिक ने मुझे वो दिया है. A song is never really over. It has a life after your release also. कॉलेज में तो अनवाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही मेडिसिन था हमारे लिए, म्यूजिक. With the right kind of people, you can always achieve good music. मुझे कुछ ऐसा करना है जो लोग सोच ही ना रहा हो. कुछ भी आप रियल दोगे ना अपनी ऑडियंस को, वो कनेक्ट करेगा. An Academy Unwind is going to be very different and very unique. You know, बहुत कम और बहुत किस्मत से ऐसे मौके मिलते हैं ऐसा एक शो करने के लिए. अभी तक मेरे अंदर जो अच्छा कुछ नया करने की प्यास है वो नहीं बुझी. In a world full of chaos, take a moment to unwind. 10 episodes celebrating 10 genres of music. Let's unwind with Sonu Nigam. Only on An Academy Unwind with MTV. ये जो हमने पूरा एक्ट बनाया है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इसके पहले कभी ऐसा कुछ सुना होगा. अनुराग सेकिया जो मैं उनके साथ में पहले भी काम कर चुका हूँ, तो मुझे जब कोई इंसान पसंद आ जाता है तो मुझे उस पर फेथ जब हो जाता है एक बार, तो मुझे लगता है कि हम उनके साथ में कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं. अभी तक मेरे अंदर जो अच्छा कुछ नया करने की प्यास है वो नहीं बुझी. गुलजार साहब ने मुझे अपने घर पे बुलाया था. आई रिमेम्बर दैट ही गेव मी अ बुक एज अ प्रेजेंट. सारे वर्ड्स मुझसे उन्होंने बुलवाए कैसे, क्योंकि टेढ़े वर्ड्स थे और उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी मीटर में डालने. तो फिर मैंने उन्होंने बैठ के मीटर में डाला, मैंने रिकॉर्ड किया. गाना तो इतना खूबसूरत था ही. और द क्रेडिट गोज टू डेफिनेटली एआर रहमान एंड गुलजार साहब. अभी आई एम टू वर्क्ड अप अबाउट माय परफॉर्मेंस, सो मैं अभी जाता हूँ. लेट्स क्रैक इट. तो जो हम पहला साथिया कर रहे हैं, तो हाउ डिड यू इंटरप्रेट द सॉन्ग द वे यू वांटेड टू? सो वी रेदर देन थिंकिंग लाइक एन अरेंजमेंट, वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इट बिकॉज दिस ऑल आर द सॉन्ग्स दैट हैज मेड आवर चाइल्डहुड सो 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 मेलोडियस एंड सो ब्यूटीफुल. द वे यू हैव केप्ट द रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो करें स्टार्ट. करते आ जाओ साथिया. हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खेलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे. हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खेलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे. सोनी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे. देखो बाग में मत जाना, भंवर तुमको सब छेड़ेंगे, फूलों में मत जाना. मदम मदम हंस दे फिर से, सोना सोना फिर से हंस दे.
ताजा गिरे पत्ते की तरह सब्ज लॉन पर लेटे हुए सात रंग है बहारों के एक अदा में समेटे हुए सावन भदो सारे तुमसे मौसम मौसम हंसते रहना मधुम मधुम हंसते रहना साथिया साथिया मधुम मधुम तेरी गिरे हंसी साथिया साथिया झुमके हमने सारी पीली हंसी कभी नीली आसमां पे चलो घूमने चले हम कोई अब्र मिल गया तो जमीन पे बरस ले हम तेरे चमक उठी है कभी शाम खिल गई है गाने म्यूजिक के बहुत ही जानकार अच्छे समझदार लोगों ने बनाए हुए हैं अजय अतुल का सपना जहां इट्स अ ब्यूटीफुल बैलेड जिसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे हैं देन तुम ही देखो ना शंकर असाल ने बनाया हुआ गाना जो कि बहुत ही प्यारा सा गाना है सूरज और मध्यम तो लोगों का लव एंथम है बहुत अच्छा अरेंज किया है अनुराग ने और मजा आएगा इस नए स्वरूप में तीनों को एक साथ जोड़ के आप लोग सुनाएंगे सपना जहां दस्तक न दे चौखट थी वो आंखें मेरी बातों से थी तादाद में खामोशियां ज्यादा मेरी जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी मेरे दिल में
जगह खुदा की खाली थी, देखा वहां पे आज तेरा चेहरा है। मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूँ जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है। कैसे मन महक महके से तन उजली उजली फिजाओं में है। आज हम है यहाँ कितनी रंगीनियाँ छलकी छलकी निगाहों में है। नीली नीली घटाओं से है छन रही हल्की रोशनी। तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया, तुम हो रहा हूँ मैं और तुम मेरी मेहरान हूँ। तुम्हें क्या कहूँ के दिन में हुई कैसी चांदनी। सब कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं। क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा, के जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं। यूं ही रहे हर दम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म। मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। तो अनुराग बहुत ही प्रोलिफिक कंपोजर है, मैंने कहा कि कुछ अपने गाने भेजो। उसने मुझे बहुत सारे गाने भेजे, फिर जब मैं उसके स्टूडियो में गया तो मैंने उसको कहा कि अब वो सुनाओ जो तुमको पता है कि कोई नहीं लेगा। जैसे हमें एक ये कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी लगी मुझे, मैंने कहा ये करते हैं हम लोग। जब मौका मिला है कुछ अच्छा करने का, ऐसा क्यों ना करें कुछ कि लोग बोलें कि वाह इन्होंने रास्ता क्या पकड़ा है। तो इसीलिए हमने इस गाने को, जिसको शहर अब बोल रहे हैं क्योंकि राजशेखर ने उस पर शहर के नाम से एक पूरा गीत लिखा है। That's when I decided that we will do this song and we will bring this song out in the public domain through an academy unwind with MTV. So when we chose the song, it didn't have a name. Now it's called Sheher, but पहले उस शहर में कोई रहता नहीं था। जब हम बात कर रहे थे, आप बताइए हम कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि
यही इसका रास्ता होना चाहिए। हर इंसान इस दुनिया में जो है वो एक माइग्रेंट, मुसाफिर, मुसाफिर। हमें दरअसल किसी और दुनिया में ही जाना होता है, तो मुझे लगता है कि वो जब लोग सुनेंगे तो उनको अपना शहर याद आएगा। चलिए याद दिलाते। जहां रेल पटरी पे सिक्के रखे थे, मुंह से भाप के खूब छल्ले बने थे, किसी को यूं ही देख करके हंसे थे, जहां पहली बारी हम आंसू चखे थे, वो शहर हम जहां पे जवां हो रहे थे। Yeah.
कुछ नया करने का मौका मिले और आपके साथ में लोग ऐसे हों जो आपको एक्सपेरिमेंट करने भी दें, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। दिल्ली से एक शायर और कवि है, प्रबुद्ध। पोएट्री में बाढ़ का विवरण, बाढ़। मैंने तो आज तक कभी ऐसा गाना सुना नहीं। मेरे दिमाग में एक स्केल चल रहा था, इसको बोलते हैं होल टोन स्केल। सा रे गा मा द नि सा सा रे धा मा ग रे सा रे गा रे गा मा गा मा धा नि धा नि सा सा ने धा मा गा मा ग रे गा ग रे सा फिर अब रे गा मा धा नि सा रे रे धा नि धा मा ग रे गा मा धा नि सा रे गा रे धा नि धा मा ग। अब मैंने ये दिमाग में मेरे स्केल चला था, ये बहुत ही भयानक स्केल। ये अनुराग ने जब मैंने गाना कॉम्पोजिशन करके भेजी, अनुराग ने मुझे कहा कि ये मैं सो नहीं पा रहा हूँ सर। सो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट बिटवीन मी, प्रभु एंड अनुराग सेकिया। जो अभी हम गाना करने वाले हैं, दैट सीम्स टू बी समथिंग व्हिच आई हैव नेवर एवर अटेम्प्टेड बिफोर। प्रभु सौरभ हैं, जो भेजा था मुझे उसके बारे में बताओ प्रभु थोड़ा। ये परिस्थिति से पैदा हुई कविता है। मैं बिहार के जिस इलाके से हूँ, कोसी का इलाका, वहाँ कोसी नदी में लगभग हर साल बाढ़ आती है। मैंने फिर सोचा है, चूँकि थोड़ी सी दृष्टि ईश्वर ने दी है कि मैं शब्दों में लिख सकता हूँ उसको, मैं थोड़ा गहरे देख पाया कि सिर्फ मकान नहीं बहते, घर बहते हैं, लोग नहीं बहते, रिश्ते बहते हैं, आँखें नहीं बहते, सपने बहते हैं। When I heard the song, I told Sonu sir ki it's not only about Patna because I'm from Assam, so this is my story as well. I have to give credit to him to give this song, this composition and the lyrics, इतना ऐसा एक इन्होंने जो अरेंजमेंट दे रखी है। सो चलिए वो पेश करते हैं आपके सामने, सबके सामने। सबके नहा लेंगे गंगा, एकादो निपट ले बिहा देंगे बिटिया, इभादो निपट ले कमर कस के रखे हैं पूरी तैयारी, और पटना से लाए जमुनिया की सारी, जमुनिया की सारी बही जा रही है रे दुनिया हमारी, बही जा रही है। बहा जा रहा है चंद्रमा का सीसम, झगड़ता था जिसके लिए सबसे हरदम, वो बकरी जो खाती थी सीसम की डारी, बही जा रही देखो वो भी बेचारी, बियाने ही वाली थी बचुआ की गैया, बही उसके साथ है कन्हैया की मैया, अजरवा जो दस का था वो भी बहा है, दया दो बरस का था वो भी बहा है, अदितिया सुनाली अजैया महेशर, अकेला सुपर्णा सुरेंद्र महेंद्र, बहा है उम्र भर का
सपना सभी का के कोई न कोई था अपना सभी का फसल खेत बारी बही जा रही है रे दुनिया हमारी बही जा रही है हे भोले भंडारी बही जा रही है रे दुनिया हमारी बही जा रही है रे पकड़ो रे पकड़ो बही गुलाब की डालियां बढ़ के चूम लेना आपके कदम खोए खोए भंवर भी है बाग में कोई आपको बनाना ले सनम बहक बहक नजरों से खुद को बचाइए आपको हमारी कसम लौट आई बेकरार करके हमें यूं न जाइए आपको हमारी